हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक्स 11। आज का जो मैच का प्रिडिक्शन है वो है GUI वर्सेस TKR, ड्रीमलैंड प्रिडिक्शन। फर्स्ट मैच है ये आपका CPL, कैरेबियन प्रीमियर लीग का, जो कि खेला जाएगा आपका गयाना अमेजोन वॉरियर्स वर्सेस ट्रिनबागो नाइट राइडर्स। आज का फर्स्ट मैच है तो आपको प्लेयर्स का प्रीवियस डेटा मिल जाएगा इस वाले प्रिडिक्शन में, और इसके साथ मैं आपको पिच रिपोर्ट बता दूंगा। पिच रिपोर्ट क्या कहता है, पिछले मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस रहा है टीम्स का इस वाले पिच में। वेदर रिपोर्ट बताऊंगा, वेदर रिपोर्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग पिच का कंडीशन थोड़ा मैनिपुलेट हो सकता है या चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको गयाना अमेजोन वॉरियर्स का प्लेइंग 11 मिल जाएगा, अगर कोई इंजरी अपडेट है या टीम में टीम का क्या न्यूज़ है प्लेयर का स्टेट्स के साथ। देन ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का आपको प्लेइंग 11 मिल जाएगा, टीम न्यूज़ मिल जाएगा डेटा के साथ। उसके बाद GUI वर्सेस TKR का ड्रीम इलेवन का टीम आपको मैं बता दूंगा कि क्रिक्स 11 का जो पहला टीम होगा वो कैसा होगा। आप प्लेइंग 11 देख के और पूरा पोस्ट को पढ़ के आप खुद का टीम बना सकते हैं, फिर भी मैं फॉर एन आइडिया आपको एक टीम दे दूंगा, तो वहां से देख के आप अपना टीम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप को प्लेयर स्पॉट का भी एक टीम मिल जाएगा। प्लेयर स्पॉट के टीम के बाद कैप्टन वाइस कैप्टन किसको आपको रखना चाहिए ये मैं आपको बता दूंगा, एडवाइस इसमें आपको आपको मिल जाएगा कि किसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन रखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एक टीम से खेलते हैं तो किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन रखना चाहिए ये भी मैं आपको इस वाले वीडियो में बता दूंगा। एट द एंड आपको ये बता दूंगा कि कौन सा किसके फेवर में मैच जा सकता है, टॉस किसके फेवर में जाएगा। उसके बाद हेड टू हेड की बात करेंगे कि हेड टू हेड में किस टीम का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो इससे आपको थोड़ा विनिंग प्रिडिक्शन में हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मैच का डिटेल। ये मैच जो है वो गयाना अमेजोन वॉरियर्स वर्सेस ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। पहला मैच है आपका CPL का, कैरेबियन प्रीमियर लीग का। आज खेला जाएगा ये 26 अगस्त को 7:30 बजे इंडिया के टाइम से शाम में। जो स्टेडियम है वो वार्नर पार्क पार्क स्टेडियम यूज किया जाएगा, सेंट किट्स में है ये। तो अब चलिए देख लेते हैं कि वार्नर पार्क का पिच रिपोर्ट क्या कहता है। अगर पिच की बात करें तो ये जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली है, 180 प्लस स्कोर जनरली बन जाता है इस वाले पिच में, और चेजिंग करना आसान होता है। पिछले मैचेस में हाई स्कोर बना है इस वाले मैच में, इस वाले पिच में अगर देखें तो एवरेज फर्स्ट 10 इनिंग स्कोर जो यहाँ का रहा है 181 रन रहा है, और जो टीम पहले बैटिंग करती है उन्होंने अभी तक 35% मैचेस जीते हैं, और सेकंड में बैटिंग करने वाले टीम के फेवर में 60% मैचेस गया है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टॉस जीतने के बाद जो टीम है वो चेज करना ही पसंद करेगी। बॉलर्स की बात करें तो लेग ब्रेक और चाइनामैन बॉलर्स, इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वाले विकेट से, ठीक है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो सनी वेदर रहेगा और मोस्टली क्लियर रहेगा पूरे दिन, तो जिससे क्या है कि ये थोड़ा सी इससे बैट्समैन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट। अब देख लेते हैं गयाना अमेजोन वॉरियर्स का प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 की बात करें तो शोएब मलिक है प्लेइंग 11 में, जिनका पिछले सीरीज का डेटा देखें तो 149 रन बनाया और 1 विकेट लिया है। मोहम्मद हफीज, इनका डेटा पिछले सीरीज में रहा था 136 रन और 6 विकेट लिए थे इन्होंने। देन चंद्रपॉल हेमराज, 140 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिया है। सिमरन हेटमेयर जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, इन्होंने 267 रन बनाए हैं। निकोलस पूरन जो कि लीड करेंगे साइड को, इन्होंने 245 रन बनाए थे पिछले सीरीज में। देन केविन सिंक्लेयर ने 9 रन बनाए थे और 5 विकेट लिया था। रोमेरियो शेफर्ड ने 15 रन बनाया था और 6 विकेट लिया था। नवीन उल हक ने 35 रन बनाया था और 11 विकेट लिया था। ऑडन स्मिथ या नेल स्मिथ दोनों में से कोई एक खेलेगा। नेल स्मिथ का स्टेट्स थोड़ा अच्छा है, इन्होंने 1 रन बनाया था और 7 विकेट लिया था। ब्रेंडन किंग 116 रन बनाए थे। देन इमरान ताहिर ने 11 रन बनाया था और 15 विकेट लिया था। ये हो गया आपका प्लेइंग 11 का डेटा। आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में जाके क्रिक्स 11 सर्च करें तो वहां पे आपको पोस्ट मिल जाएगा।
पोस्ट हम थोड़ा लेट से अपडेट करते हैं, क्योंकि अगर कोई चेंजेस आए तो उसका वेट करने के बाद हम पोस्ट को अपडेट करते हैं। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और टीम प्लेइंग लाइन आने के बाद टीम मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। अब देख लेते हैं ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो कैरन पोलार्ड जो है वो साइड को लीड करेंगे। इन्होंने 207 रन बनाए थे और 8 विकेट लिया था पिछले सीरीज में। देन सुनील नारायण ने 144 रन बनाए थे और 6 विकेट लिया था। कॉलिन मुनरो ने 207 रन बनाए थे। अकील हुसैन ने 12 रन बनाए थे और 10 विकेट लिया था। डेरेन ब्रावो ने 297 रन बनाए थे। अली खान ने 8 8 विकेट लिया था। टिम शेफर्ट ने 133 रन बनाए थे। जेडन सेल्स ने 1 रन बनाया था, 8 विकेट लिया था। दिनेश रामदिन ने 55 रन बनाया था। दिनेश रामदिन में थोड़ा डाउट है तो आप इस चीज को देख लें। देन लैंडल सिमंस ने 356 रन बनाए थे, जो कि टॉप स्कोर रहा था नाइट राइडर्स के टीम के तरफ से। देन उडाना ने 28 रन बनाया था और 2 विकेट लिया था। ये हो गया आपके पास प्लेइंग इलेवन डेटा के साथ, दोनों टीम का आपके पास प्लेइंग इलेवन आ गया। आप इसको देख के और न्यूज़ पढ़ के आप अपना खुद का टीम बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो ड्रीम इलेवन का टीम आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि GUY वर्सेस TKR का ड्रीम इलेवन टीम क्या होगा। ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो विकेट कीपर निकोलस पूरन होंगे, बैट्समैन शोएब मलिक, सिमंस, मुनरो और हेथमेयर एज ए बैट्समैन खेलेंगे। ऑलराउंडर की बात करें तो हफीज पुलाड और नारायण एज ए ऑलराउंडर होंगे। देन बॉलर्स हुसैन, नवीन उल हक और जे सेल्स, ये एज अ बॉलर खेलेंगे ड्रीम इलेवन टीम में। ये हमारा पहला टीम है। प्लेइंग इलेवन आने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, या फिर आप क्रिक्स इलेवन सर्च करके पोस्ट में आए तो वहां पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। अब आप प्लेयर स्पॉट में खेल सकते हैं, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पे जीतने के लिए, कॉम्पिटिशन कम होगा और आपको बोनस भी काफी ज्यादा मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे विकेट कीपर की बात करें तो एन पूरन और टिम शेफर्ट एज अ विकेट कीपर होंगे। बैट्समैन ब्रेंडन किंग, हेथमायर मलिक और सिमेंस एज अ बैट्समैन होंगे। सुनील नारायण और पोलार्ड एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे। एंड बॉलर में ताहिर हुसैन और अली खान, ये एज अ बॉलर होंगे। ये तो हो गया दोनों प्लेटफॉर्म का टीम। अब देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसको रखना चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनमें से रख सकते हैं, इनका परफॉर्म करने का चांसेस है। हेथमायर, मोहम्मद हफीज, नवीन उल हक, इमरान ताहिर, लैंडन सिमंस, कॉलिन मुनरो, पोलार्ड, सुनील नारायण। कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम बनाने से पहले आप अपने ध्यान में ये चीज रखें कि जो विकेट है वो प्रीवियस मैचेस में बैट्समैन को फेवर किया तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना टीम बनाए। हालांकि क्रिकेट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप इस चीज को ध्यान पे रखें। सिर्फ आप एक टीम से खेल रहे हैं तो हेथमायर को कैप्टन और सीमेंस को वाइस कैप्टन रख सकते हैं। बात करें मैच कौन जीतेगा, तो हमारे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग TKR के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है मैच, और टॉस जो है वो गाय के फेवर में जाएगा GUI के, और TKR को बैटिंग के लिए इनवाइट करेगी। ये हो गया पूरा डिटेल्स। अब देख लेते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड की बात करें तो पिछले 5 मैचेस में 2 मैच जो है GUI के फेवर में गया है और TKR के फेवर में 3 मैचेस गया है। TKR का परफॉर्मेंस पिछले सीरीज बहुत अच्छा रहा था, तो ये चीज आप ध्यान में रख लें, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि दोनों का प्रीवियस मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बस गुयाना एक मैच हारी थी, वो भी TKR के अगेंस्ट पिछला मैच, और TKR ने पिछले मैचेस सारे जीते हैं। तो ये था आज का प्रिडिक्शन। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो वैल्यू प्रोवाइड किया है तो। साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे।